हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है। इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। इमेजिन कीजिए एक जायंट हाथी है और उसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। आपको पता है वो जायंट हाथी कौन है? वो जायंट हाथी सबकॉन्शियस माइंड है और उसके ऊपर जो इंसान बैठा हुआ है वो कॉन्शियस माइंड है। तो वेलकम बैक दोस्तों, 100 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज के 15वें दिन में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूँगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और आप कैसे इसके पावर को अनलॉक कर सकते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% हिस्सा होल्ड करता है और 10% हमारा कॉन्शियस माइंड होल्ड करता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और ये 2400 घंटे चलता रहता है। कॉन्शियस माइंड जब तक हम लोग जगे हुए हैं, जब तक काम कर रहे हैं तब तक ही काम करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड 2400 घंटे चलता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? जब आप सोते हो तब आपके पूरी बॉडी को फंक्शन करता है, पूरी बॉडी के जो मैकेनिज्म है, पूरे बॉडी के जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, उसके जो फंक्शन का जो जिम्मा है वो सबकॉन्शियस माइंड के काम में है। और कल जैसे आपको बताया था मैंने कि अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी चली गई, कोई भी चीज़ को अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया तो फिर आपको वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। तो कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अनलॉक कर सकते हैं? तो आज मैं बात करूँगा ऐसे तीन तरीके की। तो सबसे पहला तरीका रेपिटेशन। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अफर्मेशन की मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, बट अफर्मेशन आप अगर एक दिन बोलो, दो दिन बोलो, उसके बाद छोड़ दो बोलना, तो फिर इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए रिपीटेशन मोड पर जाना पड़ेगा। आपको जो अफर्मेशन बोलना है उसको हर दिन बोलना पड़ेगा, तब जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। नंबर दूसरा इमोशन। इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है, हम लोग इमोशन वाले प्राणी हैं। और हमारे दो टाइप के जैसे माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिक को जानता है, लॉजिक को समझता है, और जबकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक वगैरह को कुछ नहीं समझता, उन्हें सिर्फ इमोशनल ही समझ में आता है। अगर आप किसी भी चीज़ को इमोशनली सोचोगे तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपको लाइफ में कुछ बनना है, तो आप अगर आंख बंद करके इमेजिन करेंगे उस चीज़ को, और एक जो इमेज होती है वो इमेज आपने माइंड में लाएंगे और इमोशन फील करेंगे उस इमोशन को कि मैं अगर ऐसा बन गया तो मैं कैसा बिहेव करूँगा, कैसा फील करूँगा। अगर उस इमोशन को आप अगर फील करेंगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। और एक बात दोस्तों, ये एक दो बार करने से नहीं होगा, आपको रेपिटेशन मोड पर जैसे करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले नंबर पर बताया। और नंबर तीसरा थीटा ब्रेन वेव स्टेट्स। आप कुछ भी अफर्मेशन बोलते हैं, कुछ भी दोहराते हैं, थीटा ब्रेन वेव स्टेट्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंसान के बहुत सारे ब्रेन वेव स्टेट्स होते हैं। तो थीटा ब्रेन वेव स्टेट होता है जब इंसान का दिमाग बहुत ही शांत होता है, और जब इंसान नींद में होता है उस टाइम इंसान का जो ब्रेन होता है वो थीटा ब्रेन वेव स्टेट में काम करता है। तो अगर आप सोने से पहले आप अपने माइंड से कुछ भी बोलें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोने के टाइम उसी बात को प्रोग्राम करता है। तो आप अगर बार बार जो भी अफर्मेशन बोलते हैं, आप अगर सोने से पहले बोलें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी ये बोलते हैं कि आप अगर कुछ भी, आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, आप सोने से पहले उसको बार बार बोलेंगे, उस इमेज को बार बार अपने दिमाग में लाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। और एज यू नो कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, ये तो हम लोगों को पता ही है और आपको मैंने बता भी दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।